तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट रेसिपी आपके पसंद की बनाएं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, कमाने वाला की, पकाने वाला की, खाने वाला की। तो आज मैं आपके ऊपर उस पर लेके आई कबाब की हांडी। ये बड़ी ज़बरदस्त और बहुत ही झटपट आसान रेसिपी है। यहाँ पे सिंपल हम लेंगे चिकन का कीमा। यहाँ पे मैंने चिकन का कीमा लिया है 2 कप, और इसको मैंने अच्छे से जो है ना इसका धो के इसका जो पानी था वो ड्राई कर लिया। ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, पानी बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। ये छोटे छोटे टिप्स आप फॉलो किया करें। प्याज लेंगे हम 1 खाने का चम्मच, इसको भी जो है ना आपने चॉप करके डालना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इसको मोटा नहीं कट करना वरना वो कबाब जो है टूट जाएंगे। अदरक लहसुन और हरी मिर्चें लेंगे 1 खाने का चम्मच, ये भी मैंने चॉप की यूज़ की हैं घर के, बिल्कुल आम मसाले इस्तेमाल करेंगे। नमक हम लेंगे 2 टेस्ट, ये हमेशा आप अपने जो है ना टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, इससे जो टेस्ट आता है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ये पिसा हुआ धनिया, ठीक है, ये भी 1 चाय का चम्मच। ये हल्दी पाउडर, ये भी 1 चाय का चम्मच। और बस, और मज़ीद इसमें आपने बहुत कुछ नहीं डालना, सिर्फ ये एक चीज़ लाजमी डाली है, मेरा मोस्ट फेवरेट जो है ना कुटा हुआ साबुत गोल धनिया, ठीक है? इसको मैंने हल्का सा क्रश कर लिया था, ये 1 खाने का चम्मच मैंने इस्तेमाल किया। और साथ में ये अनारदाना पीस लिया था मैंने, ये भी 1 चाय का चम्मच। और ये देखें, ये जो है ना इस तरीके का होता है बारीक बिल्कुल, तो मुझे कम लग रहा था तो मैंने इसलिए 1 चाय का चम्मच और इस्तेमाल किया इसमें, मतलब 2 खाने के चम्मच, 2 चाय के चम्मच इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे लेना है आपने अंडा, उसको अच्छे से फेंट लेना है। अब आपने एहतियात इस चीज़ की करनी है कि आपने जो है ना अंडा हाफ़ यूज़ करना है, ठीक है? ये मैंने पूरा इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये मेरे पास देसी अंडा था, तो ये बिल्कुल छोटा होता है साइज़ में, ठीक है? तो वो इसमें एडजस्ट हो गया था, लेकिन आपने एकदम से नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अगर आपको ये लिक्विड लगे तो इसमें कोई इशू नहीं, आप इसके अंदर जो है 1 से 2 खाने का चम्मच जो है ना भुना हुआ ये बेसन ऐड कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन मेरे पास ऑलरेडी छोटा था अंडा, तो इसीलिए मैंने इसको टेस्ट इसका ज़्यादा मज़ीद बढ़ाने के लिए मैंने तवे पे हल्का सा जो है ना इसको रोस्ट कर लिया था बेसन को, ठीक है? और ये मैंने 2 खाने का चम्मच इसमें इस्तेमाल करिए। अब सिंपल, अब आपने क्या करना है, अब आपने मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर देना, जिससे मैं बेहद खुश होती ताकि मैं मज़ेदार झटपट आसान रेसिपीज आपके लिए लेके आती हूँ। सबसे अहम चीज़ आती है इसको ग्रीस करना हाथों को, ऑयल या घी जो घर में होता है वो हाथों को उस तरीके से आपने लगाना है। इससे क्या होता है कि आपके हाथों पर ना ये सारा अमेजा वगैरह नहीं लगता और अच्छे से कबाब बन जाते हैं, आपके हाथ ज़्यादा ख़राब नहीं होते। तो अपने साइज़ के हिसाब से आपको लगे कि आपने छोटे साइज़ के बनाने हैं कबाब तो आप छोटे ले लें, कम ले लें। अगर आपको लगे कि आपने थोड़े से बड़े साइज़ के कबाब बनाने तो आप उसका मटेरियल ज़्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन ये इतना साइज़ बिल्कुल नॉर्मल होता है क्योंकि इसमें अंडा और बेसन वगैरह होता है तो वो और मज़ीद फूलता है। चिकन है तो वो भी जाहिर सी बात है कुक होगा तो वो फ्राई होगा तो वो और मज़ीद अच्छे से और फूल जाएगा। तो ये इतना साइज़ मुझे बेहतर लगा था तो मैंने ये इस साइज़ के, ये हाथों को बस इसी तरीके से आपने घुमाते रहना और इस तरीके से आपने सारे ये जो कबाब हैं वो तैयार कर लेने। यहाँ पे मैंने इनको तैयार कर लिया और आपने इसको जो है ना फ्रिज में लाजमी रखना है कोई 10 से 15 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब आते हैं इसकी ग्रेवी की तरफ, जो कि बड़ी ही मज़ेदार मलाई की तरह होगी, बिल्कुल नरम। दही लेना है आपने 1 पाव, ठीक है, इस तरीके से लेके। अब आपने इसमें चीज़ें ऐड करनी है, कौन कौन सी? नमक हम लेंगे 2 टेस्ट, नमक आपने बहुत एहतियात से यूज़ करना है, आपने जो कबाब में यूज़ किया वो भी कम यूज़ करना और जो इसकी ग्रेवी में इस्तेमाल करना वो भी कम करना। यहाँ पे लाल मिर्चों का पाउडर लेंगे 1 चाय का चम्मच, और साथ में हल्दी पाउडर हम लेंगे 1 चाय का चम्मच। और आपको पता है मैं सबकी रिक्वेस्ट रेसिपी बनाती हूँ, आप भी कमेंट करें अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम, इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी वही बनाऊंगी। 1 चाय का चम्मच हमने लिया पिसा हुआ धनिया पाउडर, और साथ में हम लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, ये मुझे बहुत पसंद है, ये भी मैंने 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल किया। और ये आपने दही में ही इस्तेमाल करनी है सारी चीज़ें। और अजवाइन हम लेंगे, ये भी 1 चाय का चम्मच, इससे जो टेस्ट आता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। और सबसे मोस्ट फेवरेट मेरी चीज़ ये कश्मीरी लाल मिर्च, ठीक है, ये कलर को बहुत बरकरार रखती है और अच्छा करती है। इन सबको आपने कर लेना है अच्छे से मिक्स, और मिक्स करने के बाद जब आप अच्छे से मिक्स कर लें तो इसमें आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना है। पानी मतलब मेरे पास ये जस्ट 1 कप से 1/2 कप था, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं इस्तेमाल करना। और इसी में ही आपने अच्छे से इसको फेंट लेना ताकि जो दही के छोटे छोटे गुठलियाँ बनती हैं ना वो उस ना बने।
हो गई कंप्लीट। अब आपने इसकी मैरिनेशन हो गई, हर कबाब भी रेडी हो गए। अब आपने इसको फ्राई करना है। इसको मज़ीद और अच्छा करने के लिए आपने सिर्फ थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेना है, जो घर में घी हम इस्तेमाल करते हैं वो, और उसके अंदर 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज चॉप किए हुए आपने ऐड करने हैं। ये देखिए, ये मैंने चॉप किया हुआ प्याज ऐड किया। उसको हल्का सा ना इसका कलर चेंज करना है। ये देखिए, यहाँ पे सिर्फ 1 से 2 मिनट हुआ और इसका बहुत ही प्यारा ना लाइट ब्राउन सा कलर होना स्टार्ट हो गया। पहले ये वाइट होगा लेकिन फिर थोड़ा सा चेंज कर देगा कलर। तो जब ये ऐसे हो तो इसके अंदर 2 खाने का चम्मच आपने अदरक लहसुन और हरी मिर्ची चॉप की हुई ऐड करनी है। ठीक है, प्याज भी चॉप किया हुआ ऐड करना है और अदरक लहसुन हरी मिर्ची भी। थोड़ा सा आपने डालना है पानी। पानी इसलिए डालते हैं ताकि जो मज़ीद मसाले हैं ना वो जले ना। और यहाँ पे मेरे पास टमाटर है 2 अदद, जिसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। ये भी हमने इसी में इस तरीके से डाल देने। जब आपको 2 से 3 मिनट हो जाए तो ये देखें अच्छे से इसकी हो जाए भुनाई। ठीक है, ये देखें। फिर आपने वो जो दही वाला हमने बैटर तैयार किया था वो अब आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और ये दही में ही हर चीज़ आपने ऐड करनी है। अच्छे से इसको फेंट के, पानी डाल के इसको पतला करके फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, और वो जब मसाले के अंदर आप ऐड करेंगे ना तो आप यकीन करें इसकी एकदम से इतनी ज़बरदस्त खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर इसकी ग्रेवी ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो गई है। अब इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए ना हम इसको कुक करेंगे। ठीक है, जो ताकि दही है वो अपना पानी छोड़े और वो उसी पानी में हम इसको साइड पर कर दें। वो हो गए। अब हमने करने हैं इसको फ्राई। कबाब जो हमने रेडी किए थे फ्रिज में, मैंने बताया था कि आपने 5 से 10 मिनट के लिए लाजमी रखने हैं ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। आपने पैन लेना है, उसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल लें, चाहे घी डाल लें, जो आप घर पे इजीली इस्तेमाल करते हैं। और ये देखें, और 1 बाय 1 करके, 1 से 1 करके आपने इस तरीके से इसमें कबाब रखते जाना है। ठीक है, और इसको तब तक आपने इसकी साइड चेंज नहीं करनी जब तक इसका एक साइड से अच्छे से कलर ना आ जाए। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, मेरी हमेशा कोशिश होती है आपको वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँ ताकि आप भी वो सेम इसी तरीके से बनाएं। यहाँ पे हल्का सा मैं इसको ब्रश कर रही हूँ ताकि इसका जो ऊपर वाला कलर है ना वो भी बहुत प्यारा आ जाए। और बस इस तरीके से, अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप इसको जो है ना नहीं भी कर सकते ब्रश के बगैर जो है ना वो आप इसको साइड। बस आपने एहतियात इस चीज़ की करनी है कि जब आपने करना है तो ये देखिए इतना प्यारा इसका कलर आया था। अब इसकी साइड चेंज कर दी मैंने और जब दोनों तरफ से अच्छे से कुक हो जाए फिर आपने इसको निकालना। और ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है और इसकी जो खुशबू आ रही है वो बहुत आला किस्म की। इसी तरीके से आपने इस सारे जो कबाब हैं वो अच्छे से फ्राई कर लेना है इस तरीके से। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है, और आपने क्या नोट किया वो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर मैं बताऊँगी कि हाँ बिल्कुल आपने राइट बोला। ग्रेवी जो हमने बताया था कि वो अच्छे से 2 से 4 मिनट और कुक होगी, दही अपना पानी छोड़ेगी और उसी में हो गई थी। अब यहाँ हमने जो कबाब रेडी किए थे वो अब उसमें ऐड कर देंगे और मज़ेदार हमारी ये मलाई हांडी तैयार हो गई है। इसमें कोई मैंने क्रीम इस्तेमाल नहीं की, कोई बाहर का मसाला इस्तेमाल नहीं किया, घर के बिल्कुल आम मसाले थे जो मैंने इस्तेमाल किए। यहाँ पे मैंने इसको कर लिया डिश आउट और बस अपने इसको लास्ट में मोस्ट मेरा फेवरेट होता है हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक के छोटे छोटे पीस और 1 चाय का चम्मच ये लास्ट में मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया। और आपने कुछ नोट किया है तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। अब सिंपल इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको दम लगा देंगे और इसको कर लेंगे डिश आउट। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे कमाने वालों की, पकाने वालों की, खाने वालों की। ये छोटी सी और झटपट आसान रेसिपी आपको कैसी लगी आपने मुझे कॉमेंट में बताना है, और इसी तरह मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाएं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।